अगर कोई मुद्दा उठाया जा रहा लगातार विपक्ष द्वारा, तो ये स्पीकर साहब का ये दायित्व बनता है कि वो मुद्दे पर चर्चा कराए। और जिस तरह संबल मुद्दे में चर्चा हुई है, तो अगर चाह रहे हैं विपक्षी पार्टी की अदानी की में हो, तो मुझे लगता है कि उनको करा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि संबल में जो भी कल्प्रिट है उनके पोस्टर्स लगाए जाएंगे, उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनावों में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संबल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वो समझ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, वो आरक्षण के मुद्दे पे, वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे किसानों को जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है, आज महंगाई कितनी है, दिसंबर का महीना है जहां आज सभी खाद्य पदार्थ सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है। आपको भी मिल्कीपुर में आशंका है कि गड़बड़ी हो सकती है? आशंका जब आपने जब 9 उपचुनाव हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के, यहाँ हर जगह गड़बड़ियां हुई हैं। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है गड़बड़ियां लगातार हो रही है, और इतने माइन्यूट लेवल में, जहां बीएलओ को जातिगत जाति का देख के हटा रहे हैं, जहां आप लगातार वोटर लिस्ट में से नाम कम कर रहे हैं, बूथ परिवार का, जहां एक बूथ में सारा परिवार एक बूथ में वोट डालने जाता है, परिवार को आप अलग अलग बूथों में भेज रहे हैं, तो मैं समझती हूं बहुत माइन्यूटली धांधली कर रही है भारतीय जनता पार्टी चुनावों को जीतने के लिए। और जो लोगों का ध्यान जहां होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, लोगों के ऊपर, जहां उनको अच्छी व्यवस्थाएं सुविधाएं देनी चाहिए, जहां स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, जहां शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए कि आज लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन के भेजा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।